हाँ जी, तो उसी में ही जो वेजिटेरियन है उसी के लिए समोसा पकौड़ा जो भी उसी कर दिया, लेकिन हम नहीं, हम थोड़ा देखते हैं कस्टमर उसी हिसाब से हम। अच्छा, ये गांबा जो, ये आप मुझे बताएंगे ये क्या चीज है? गांबा ये पॉम्स। क्या चीज? ये अपने जो मछली होती दूसरी कीड़े टाइप, जो पॉम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वो जिसे कहते हैं सप्पल मछली है जी। सप्पल मछली जो होती है, सप्पल नहीं, ये इसको पॉम्स क्या है इसका, मैं एक मिनट में बताता हूँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको। तो हम मतलब कि हमारे पास ये है कि हम अच्छे तरीके से, जैसे भी हम, आप एक मिनट में बताता हूँ, इसको बोलते गंबर और सब। अच्छा, ये प्राउन, प्राउन बोलते हैं। अच्छा, प्राउन बोलते हैं। हाँ जी, प्राउन। अच्छा, गंबर बोलते हैं। अच्छा, ये तीन डब्बे क्या खड़क रहे हैं आपकी तरफ? हाँ जी, वो काट रहे हैं कुछ सामान, मीट वगैरह काट रहे हैं पीछे। अच्छा, वो आइस लगी होगी उससे? हाँ जी जी, आइस नहीं, अभी आज सुबह आया ना, मीट आया ना बकरे का। अच्छा, हमारा डायरेक्ट फैक्ट्री से आता है ना मीट। अच्छा, हर दिन दूसरे दिन आता है, तो वो हम फिर इधर ही काटते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये वेजिटेरियन, आपके पास सारी डिशे हैं? हाँ जी। अच्छा, जो मैंने पूछा, जैसे जिस दिन आप जिक्र, आप जैसे बोलेंगे जी, जैसे अभी इधर अभी आजकल भिंडी मिल जाता है, चलो ठीक है, हम भिंडी का आपको दे सकते हैं, क्योंकि हम मंडी से स्पेशल मंगवा लेते हैं। अच्छा, जो मतलब के जैसे टिंडा है वो नहीं है आजकल, वो डब्बे का ही मिलता है, हम वो नहीं दे सकते। अच्छा अच्छा, सही। अच्छा, ये आप बाकी आप जो भी बोलेंगे, जो भी वेजिटेरियन में, वो हम देंगे आपको। अच्छा, ये आपके पास जो है बाथू होगा? बाथू तो नहीं सर, इधर बाथू नहीं है। बाथू नहीं, आपको हम दे सकते हैं साग, सिर्फ दे सकते हैं पालक का। अच्छा, जहाँ दे सकते हैं साग जो सरसों का, वो भी मंडी से स्पेशल जाना पड़ेगा लेके आने के लिए। अच्छा, फ्रेश देंगे हम, वो नहीं डिब्बे वाला नहीं। अच्छा, ये आप जो है ये सब कुछ जो बनाएंगे वो ऑलिव ऑयल में होगा या नॉर्मल से ऑयल में बना देंगे? आपको जैसे हमारा जो किचन है वो दो तरीके का है। अच्छा, दो तरीके का ऐसे है कि हम जो अपने इंडियन आदमी बोलता है कि मैं इंडियन स्टाइल से खाना, जो आपको पता है कि जो फ्रेंच लोग हैं ये तो मिर्ची खाते नहीं, इनको तो बिल्कुल मिर्ची नहीं हम डालते, तो हम अपने कभी डाल दिया करें नहीं खाते नहीं हो ज्यादा क्या फेंकने का, कभी कभी डाल दिया करें ना, इन्हें थोड़ी सी मिर्ची लगे, इन्हें पता चले। नहीं, जो इंडिया से जाके आते हैं सर, वो हमारे से अपने से भी ज्यादा खाते हैं। अच्छा अच्छा, जो इंडिया एक बार जाएगा ना, वो हमारे को बोल देगा कि हमारे फिक्स कस्टमर ज्यादा है। अच्छा, जो इंडिया से इंडिया जाके आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम टेस्ट देते हैं उनको। सही। अच्छा, आप इंडिया में कहाँ से हैं? हम सर पंजाब से हैं। पंजाब से कहाँ से? हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट पटियाला है। अच्छा, पटियाला से हैं। हाँ जी। अच्छा, तो आप ये पटियाला सलवारें पहनते हैं? हाँ जी। आप पटियाला सलवारें पहनते हैं? नहीं सर। नहीं। अच्छा, वैसे वहाँ की जो ये बड़ी मशहूर चीज है जी, पटियाला सलवार। हाँ जी, वो पता क्या सर, वो है जो पटियाला सलवार है ना, वो लेडीज के लिए है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, पटियाला सलवार वाकई मशहूर है, लेकिन वो लेडीज के लिए पटियाला सलवार का एक पटियाला पैग हो गया जैसे। जी जी, पटियाला पैग भी है ना बिस्की का, पटियाला सलवार मशहूर है। सही बात आपकी, नहीं सही, मैं समझा शायद ये जो है ना जेंट्स वगैरह भी पहन के घूमते होंगे। नहीं नहीं, आप सर कहाँ से? मैं गुजरात से हूँ। अच्छा अच्छा, गुजरात से। पटियाला सलवार जो है ना, जो अपने पटियाला सलवार जो है ना, ज्यादा सलवार का जो है ना, वो दे दी थी उनको मुसलमानों को, जब वो अपने डिवाइड हुआ था ये। हाँ जी, डिवाइड नहीं हुआ था, जब हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था ना। जी जी, तो जब हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था जनेऊ काट के, तो सिखों ने उस टाइम में जो है ना, इनको सलवारें पहनाई थी मुसलमानों को, मुगलों को, तो ये तो इनको दे दी है ना जी। ये सच्ची बात है? सच्ची बात है। वैसे ये वैसे वो तो कहते हैं जी, मुगलिया दौर तो बड़ा चला है एक वक्त में। नहीं नहीं, वो ठीक है उस टाइम में था, लेकिन वो सरदारों ने, सिखों ने जब उनको वापिस कर, उनको दी थी सलवार,
अभी वो कह रहे हैं। अच्छा, ये मतलब उन्होंने फैशन अडॉप्ट कर लिया था पटियाला शलवारों का। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, नहीं सही, ये तो बढ़िया आपने इन्फॉर्मेशन दी है। वैसे